कि मेवातियों को मार भी रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे, इस बात का क्या मतलब? प्रत्येक कमेटी की मीटिंग करते, एक तरफ ये हमें ही मारे, हमारी बात करी सुनते वहां, हम तो खुद ही, हमारा इलाका तो खुद ही, हम यहाँ का हिंदू मुसलमान तो गऊ की रक्षा इनसे ज्यादा करता है, कोई भी किसान उससे ज्यादा गऊ पर कूद सकता है, चाहे वो हिंदू भाई हो मुसलमान हो। 7 मर्डर कर दिए इन्होंने, इससे पहले ये जो 31 वाला है गऊओं के नाम पे, जिस दिन ये चलेंगे 31 तारीख को, इन्होंने सुबह वहां इकट्ठा होकर ये बिट्टू बजने के दिन कहा कि भाई अब तुम्हारा अब होशियार हो जाओ, अब तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा बहने वो आ रहा है, शोभा यात्रा में आपने भी कभी धार्मिक प्रोग्राम इस तरह होगा, हमारे भी यहाँ तबलीग के नाम से जो मान जाती है हमारी धार्मिक यात्रा जाती, हमारे यहाँ तो कोई हथियार नहीं रहा। 1947 में इस देश का पार्टीशन हुआ, हमारे पुराने बुजुर्गों ने, नेताओं ने जहाँ कुर्बानी दी, इनके बुजुर्ग तो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, बेरोजगारी है, पानी इस इलाके में नहीं, बच्चे यहाँ राजनीति नहीं, ये तो गरीबों को और गरीब बनाना, ये तो गरीब देखना चाहते हैं, ये और कुछ नहीं, यहाँ गरीबी देखना चाहते हैं। आपके हाथ में गेंद हो और इसको तुम ज़्यादा दबाओगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी क्या? तो ये तो हमने उग्रवादी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, हम देश परस्ती रहे हैं, वतन परस्ती रहे और वतन परस्ती रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आज हम नूह जिले के पिनकुआ शहर में बैठे हैं और हमारे साथ चौधरी मोहम्मद इलिया साहब बैठे हैं, सीनियर नेता हैं मेवात के और पूरे हरियाणा भर में जाने जाते हैं अपनी बेबाक राय के कारण, और विधानसभा का मामला हो या फिर यहाँ पर अभी जो प्रशासन के साथ जो पीस मीटिंग्स चल रही हैं उनका मामला हो, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं मेवात इलाके की। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैं आपकी जो पीस मीटिंग चल रही है पुलिस वालों के साथ, उसमें उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसमें पुलिस वाले जिस किस्म से बात करें वो भी सामने था, उसके बाद आपने एक बात कही कि मेवातियों को मार भी रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे, इस बात का क्या मतलब? पुनिया साहब, पहली बात तो ये सही मायने में जो SP साहब और DC साहब की तरफ से पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है तो मैं तो उनको फॉर्मेलिटी मानता हूँ। अच्छा, इनफैक्ट लेकिन चलो वो बुलाते हैं तो अच्छी बात है, शांति के लिए, व्यवस्था के लिए। हमारा कहना यह है, एक प्रत्येक कमेटी की मीटिंग करते, एक तरफ ये हमें ही मारे, हमारी बात करी सुनते वहां, फिर उस मीटिंग का क्या फायदा, वो कहां उसे कहां शांति बन पाएगी? ये तो बात, मैं तो उसका खंडन करता हूं उसका। अरे भाई, तुम पीस कमेटी की मीटिंग बुलाओ, बाकायदा उस पर डिस्कस करो, आपके कोई बात आप भी कहो, हमारे इलाके के लोगों की, हिंदू मुसलमान उसमें दोनों जाते हैं, सबकी बात को सुनकर तब तो कोई फायदा भी है। पहली बात तो आप किसी को मौका ही बहुत कम देते हो, देते हो तो उस पर अमल ही नहीं करते, उसको परवान ही नहीं चढ़ाते आप लोग, ये क्या पीस कमेटी, तो फॉर्मेलिटी करते हैं, कहाँ पीस कमेटी करते हैं आइए, यहाँ तो जहन भी प्रशासन का भी वही है, प्रशासन में सरकार की थे, वो लोग ऊपर के सरकार के आदेश पर जिससे वो चल कहते हैं उस तरह चलते हैं। 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ है पूरे देश ने भी देखा, उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं कि वो घटनाक्रम हुआ कैसे और उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सही बात तो ये है, ये 31 तारीख की बात तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बुनियादी तौर पे है ये मोनू भजन दली जो है, भजन दल का जो मेंबर है, ये यह पदाधिकारी है, ये और इसकी टीम जिसका ये नेतृत्व करता है, ये यहाँ सालों से सक्रिय है यहाँ, और ये इस्लाम को लेकर यहाँ सक्रिय है कि हम गऊ रक्षक हैं, हम गऊ हत्या होने नहीं देते, अच्छी बात है मत होने दो, हम तो खुद ही, हमारा इलाका तो खुद ही, हम यहाँ का हिंदू मुसलमान तो पहले ही गऊ की रक्षा इनसे ज्यादा करता है, गौपालक है, किसान जो है वो कोई भी किसान उससे ज्यादा गौपालक वो कूद सकता है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान हो। बहरहाल 6-7 मर्डर तो इन्होंने एक साल में कर दिए, गौ के नाम पे करते हैं, मान लो अगर यहाँ कोई छापा ही डालते हैं और यहाँ गाय के नाम की कोई चीज नहीं है, है ना, वो उसकी हत्या हुई मिलती है ना, वो चलती फिरती गाय मिलती है, और फिर वहां से पकड़ कर उन बच्चों को 7 मर्डर कर दिए इन्होंने। इससे पहले ये जो 31 वाला है गऊओं के नाम पे, ये तो दरअसल यहाँ के लोगों से जो गलत अनासर, हम मानते हैं हर कौम में जो है सामाजिक तत्व रहते हैं, हमें भी हो सकते हैं, हमारे हिंदू भाई में हो सकते हैं,
तो ये तो उनसे साज बाज करके बल्कि ये रक्षक लिए, ये तो उनसे इस काम को करवाते हैं और उनसे ये पैसा लेते हैं, उनसे ये पैसा लेते थे। आगे तो क्या होगा इस समय बताएगा। लास्ट में ये जो कांड हुआ 31 वाला, हमारे यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर होगा ना घाटमी का, यहाँ से घाटमी का गांव है यहाँ से, वहां इन्होंने छापा डाला। पुलिस इनके साथ रहती है इनके सहयोग के लिए। हमने SPDC साहब से कहा कि ये काम पुलिस का तो नहीं है जो आप करवा रहे हो, हाँ आप अलग से मतलब ये छापा डालो, अलग से जो गौ कसी करते हैं, जो गौ हत्या करे उनको अलग से पकड़ो, हम भी आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये क्या मतलब बजरंग दल के साथ आप लोग आए और ये जायज नाजायज यहाँ से उठा के ले जाए है नी, और उनकी हत्या कर दे, फिर इनका कौन जिम्मेदार है? अरे बजरंग दल तो जिम्मेदार है ही, तो तुम कौन से इस बात से अछूता रह जाओगे? जब तुम पकड़ के लाते हो, उनके सहयोग करते हो, इनके साथ लाते हो, पकड़वाते हो। अब ये जो 31 से पहले जो घटना हुई घाटमी और राशिद की जुनौद की, उनको ये लेके आ गए यहाँ गाड़ी में। जब आए 30-35 किलोमीटर का फासला है हमारे यहाँ से, फिरोजपुर हल्का है यहाँ से कोई करीब 20 किलोमीटर, वहां से आइए थाना है। जब उनकी हालत इन्होंने रास्ते में पेशी कर दी कि वो मरने योग्य हो गए हैं, तो इन्होंने गाड़ी CIA थाने में ले गए और वो बच्चे भी हम उसमें थे, तो CIA फिरोजपुर जिलको वालों ने इनको मना कर दिया। अगर वो CIA थाने वाले, उनका तो फर्ज बनता था वो इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी जिसका वो करता, उन्होंने वापस कर दिए। अगर वो वापस नहीं कर देते उस दिन अपने पास इनको रख लेते वो थाने वाले, तो शायद ये घटना नहीं घटती। कौन सी, ये भिवानी में नहीं पहुंचते ना पहुंचते ना जिनको जलाया जाता। तो यहीं से हरियाणा सरकार एक तो वहां से शुरू हो गई जिम्मेदार, जहाँ ये पुलिस जाती है इनके साथ। हमने SP साहब से भी कहा, DC साहब से भी कहा कि आप लोग अपने हिसाब से आप करिए, खूब छापा मारिए, खूब गौकशी हत्या बंद कराइए। हम खुद हमारे यहाँ का हिंदू या मुसलमान कोई नहीं चाहता, संजीदा आदमी कोई नहीं समझता, समझदार आदमी नहीं करता। बहरहाल हमारी बात ना SP साहब ने सुनी ना DC साहब ने, नतीजे हुआ ये कांड हो गया। वो बच्चे लेकर भिवानी में जाकर वो गाड़ी में जला दिए और ज्यादा लोगों में भड़काव पैदा हो गया, दुख हो गया। आखिर में ये जो मोनू मानेस्टर है, अब ये जो यहाँ से बल्लमगढ़ से चले हैं, तो अब ये तो आप भी मानते हो हमारे इलाके में चाहे किस कोई भी विधायक हो, जिसके विधायक के अर्थ में जो भी समस्या होगी, जो भी डिमांड होगी, चाहे वो विकास की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे कोई और किसी भी टाइप की समस्या हो, तो विधानसभा में तो रखेगा, बिल्कुल, तो उसका अपना अधिकार है विधायक का। खैर वो हमने भी, मैंने भी अपनी बात अपने तरीके से रखी थी। मकसद तो हमारा सबका यही था कि भाई हम भी इस पक्ष में नहीं है कि गौ हत्या हो, लेकिन अभी हम इस पक्ष में भी नहीं है कि गौ हत्या के नाम पर जो है कुछ लोग, चंद लोग जो है बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या RSS के लोग, ये जो है पैसा लें, इनका गौ रोकने का, हत्या रोकने का मकसद नहीं है। तो उसने वो आफ्ताब जी ने बात रखी, मम्मन जी ने बात रखी, जैसा कि आप देख रहे होंगे सुन रहे होंगे एक साहब, मम्मन ने कह दिया तुम्हारी प्यास की फोड़ देगी। अरे भले आदमी हो, मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज, मर्डर का वारिस यहाँ से अपना हुसैनपुर गांव में हमारे नूह थाने में, उसको लेकर उनको दो आदमियों को लेकर एक का मर्डर कर दिया, जिनके खिलाफ मर्डर के केस दर्ज हैं। तो मम्मन जी ने तो उनके खिलाफ कहा, उनसे कहा था कि यार इस तरह की बात है, मोनू मानेसर इससे पहले 7 मर्डर कर चुका है, 2 अब कर दिए, और अगर ये मेवात की तरफ इसने दोबारा कोशिश की आने की तो हम भी कुछ कर देंगे। अरे प्याज का मतलब ये थोड़ा, जिसने सारे हिंदू भाइयों से कहा था या सारे संगठनों को कोई चैलेंज किया था, मैंने वो सुनी थी। अरे वो तो आरोपी थे, मोनू मानेसर का ही नाम लेके कहा था कि अब की बार मोनू मानेसर आ गया तो उसकी प्याज ही फोड़ देंगे। तो उसका क्या कारण था? उसका यही कारण था ना, 7 मर्डर तो कर चुका था, अब बार बार कहां तक आदमी टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा? तो उसमें मम्मन की कौन सी ऐसी बड़ी बात थी, क्या गलती थी जिसके 7 आदमी मर गए? तो वो इतना जो आरोपी 302 में उससे इतना भी नहीं कह सकते क्या? अरे तुम हमें मार भी रहे हो मोनू भाई, पुड़िया जी, और हमें बोलने में नहीं दे रहे। अच्छा वो अगर तुम इसको गलती मानते हो, इसको अगर गलती मानते हो, तो स्पीकर साहब ने उसको सस्पेंड करना चाहिए था,
उनको विधानसभा से बाहर करना चाहिए था या प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए था या कोई और कोई कार्रवाई करते। 5 महीने हो गए सेशन को, 6 महीने जब गवर्नमेंट ने अधिकार स्पीकर साहब ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने उस बात को बुरा नहीं माना, इसका मतलब गवर्नमेंट तो सहमत रही इस बात की, हाँ भाई ठीक कहा। अब कहीं दोबारा जब ये शोभा यात्रा की बात आई तो ये बल्लभगढ़ में पाली एक गांव है गुजरों का, वहां इकट्ठे हुए। वहां से जब इकट्ठे हो गए, चैलेंज उन्होंने 4-5 दिन पहले दे दिया था कि हमारे मेवाड़ में और तुम तैयार हो जाओ। जिस दिन ये चलेंगे 31 तारीख को, इन्होंने सुबह वहां इकट्ठा होकर ये बिट्टू बजने के दिन ने कहा कि भाई अब तुम्हारा अब होशियार हो जाओ, अब तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा बहने वो आ रहा है। यार पूनिया जी, अब जिसके जितने घाव हो रहे हो, अब ये एक तरफ हमारे साथ मर्डर भी कर रहे हैं, हमारे आदमियों को मार रहे हैं, फिर हमें लोग तुम्हारा जी जा रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को। शोभा यात्रा इससे पहले भी यहाँ निकलती रही है, यहाँ का मुसलमान जो है हमेशा उन्होंने बढ़चर का हिस्सा लिया, इनके इनके स्वागत में शामिल रहे, फूल मालाएं डालते थे, जलपान का भी व्यवस्था करते थे, बड़े बड़े प्रेम प्रेम से दोनों समाज दोनों समुदाय जो यात्रा निकाला करते थे। आज ऐसी गाय सूरत आ गई जो इस यात्रा पर जो ये नौबत हो गई, बात यात्रा की नहीं थी, ना यात्रा से किसी को कोई ऐतराज था, वो तो इनकी जो कार्यशैली थी, इनके जो कारनामे थे, उनसे लोग दुखी थे, उनसे लोग पीड़ित थे। अरे भाई तुम हमें मारो, हमें चैलेंज कर रहे हो। अच्छा एक बताओ, शोभा यात्रा में आपने भी कभी धार्मिक प्रोग्राम हिस्ट्री लिया होगा, हमारे भी यहाँ तबलीग के नाम से जो मान जाती है, हमारी भी धार्मिक यात्रा जाती, हमारे यहाँ तो कोई हथियार नहीं रहा था धार्मिक यात्रा में, बिल्कुल इन्हें कौन सा हक दे दिया था किसी ने तलवार उठाकर इस तरह से, मतलब ये इंडिकेट करना लोगों के बीच में, फिर इन पे AK-47 भी वहाँ मिली है, बंदूकें भी मिली हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये शोभा यात्रा थी? ये शोभा यात्रा नहीं थी पुण्य साहब, ये तो 2024 का मिशन था। और जिस तरह यूपी के अंदर जो है वो योगी जी ने जो कर रहे हैं, जो किया है, उस पैटर्न पे ये लोग करवाने जा रहे थे। हमने तो कभी, हमारी 70 साल की उम्र होगी, हमने तो यहाँ कभी बुलडोजर चलते नहीं दिखाई दी। अच्छा कर, अगर तुम करते भी हो तो जो जो दंगाई है, चाहे वो हमारा हिंदू समाज का भाई है या मुसलमान है, जो दंगाई उनके खिलाफ करो। तुम यहाँ बेगुनाह आदमियों को एक तरफा जाए सिवाय मुसलमान के खिलाफ, दूसरे तुम्हारे पास कोई नाम ही नहीं है तुम्हारी डायरी। भाई कोई भी झगड़ा हो तो वो तो दोनों तरफ से ही होता है पुण्य साहब, एक तरफा तो झगड़ा नहीं हो सकता। उनका आज तक इनके बहन नाम नहीं है, यहाँ जो भी हो रहा है सब एक तरफा कार्रवाई हो रही है मुसलमानों के साथ, उन्हीं के वो यहाँ बुलडोजर चल रहे, उन्हें क्या FIR है सर, एक तरफ ही जो है। हमने एक बात की थी भाई, हम इसका विरोध करते हैं और हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि अब जो जायज है, जो सही माने में सही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जो अपराधी है हमें कोई इतराज नहीं। ये बात हमने सरकार से कही थी। दूसरा हमने ये भी कहा था कि इनकी आप लिस्ट बना के दे दो हमें, गांव वाइज हम गांव की कमेटी गठित करेंगे और उनसे गांव में गांव इकट्ठा करके जो वाकई हम ये पता करेंगे जो आपकी लिस्ट है कौन सही है कौन गलत, और जो इसमें सही सम्मिलित पाया जाएगा हम बाकायदा आपको वहां थाने में देके आएंगे। आपकी कमेटी का आप तो पुलिस की है ही, आप भी करो इन्वेस्टिगेशन, जो सही पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो गलत पाया जाए उसे छोड़ दो। लेकिन आज तक हमारी बात पर ना SP ने तवज्जो दी, ना DC साहब ने तवज्जो दी। अब हम कहाँ तक इनको जो है वो किस तरह से, हमने तो सिवाय 1947 में इस देश का पार्टीशन हुआ, जहाँ हरियाणा प्रदेश के या हिंदुस्तान के सभी वर्गों ने, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, सभी देश के संगठनों ने, सारे हमारे पुराने बुजुर्गों ने, नेताओं ने जहाँ कुर्बानी दी, तो मैं इनसे BJP वालों से ये पूछना चाहता हूँ, भले आदमी हो, इनके बुजुर्ग तो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, ये RSS और BJP जो है, ये गोडसा ये कौन था जो वो पीछे मारा था ना, वो पीछे जिसको आज भी ये महात्मा गांधी को नहीं मानते उसको मारते, तो ये तो अखबारों की अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। हमारे लोग तो शहीद हुए थे, ऐसी कोई देश के जब देश में जब भी बवाल आया है, कोई भी आपत्ति आई है, तो ये मेव समाज कभी पीछे नहीं रहा, मेवाड़ के लोग पीछे नहीं रहे, हमेशा देश के प्रति देशभक्ति का
इन्होंने हमेशा सबूत दिया है। अच्छा मंत्री साहब, एक आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि वो पीस मीटिंग की वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें पुलिस जो है कप्तान थे, पुलिस कप्तान, वो कह रहे हैं कि मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो एक मेवात से लगभग 150 से 160 के करीब गिरफ्तारियां बता रहे हैं। मैं कल शिकारपुर गांव में था, वहां 15-16 बच्चे गिरफ्तार किए हैं। तो ये जो इस किस्म की जो भाषा है, ट्रीटमेंट कर दूंगा, और उसके अलावा जब प्रशासन बुलडोजर से किसी का होटल, किसी की दुकान, किसी की रेडी को तोड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि ये हमने दंगाइयों के घर गिरा दिए। मतलब कोर्ट बताएगा ना, ये तो न्यायालय बताएगा, ये पहले ही कैसे ऐसा है। और ट्रीटमेंट करने जैसी जो बात, तो ट्रीटमेंट की बात, ये जो भाषा एडॉप्ट कर रहे हैं ना, जो यूज कर रहे हैं, ये है सरकार को खुश करना चाहते हैं। सरकार के आदर्शों पर जिस तरह उन्होंने उसी तरह ही उसी लाइन पे चलते हैं। बुलडोजर का या जायज का नाजायज का आप चालान करो, ये तो कोर्ट में जाने का पता लगेगा कि कौन जायज है कौन नाजायज है। जो जायज होगा वो उसकी सजा हो जाएगी, जो नाजायज होगा उसे बरी हो जाएगा। गांव ये सिर्फ खौफ पैदा करना चाहते हैं। देखो जैसल मस्तर की पुलिस अब ये यहाँ के मुसलमानों पर खौफ पैदा करना चाहते हैं कि ताकि इनके इतना डर पैदा हो जाए कि ये घर से बाहर अपना सर ही ना निकाले। तो ये इनकी ये बहुत बड़ी भूल है इस बीजेपी वालों की, इस सरकार की भी। हमारे हजारों हजारों आदमी तो सन 1947 में शहीद हुए, 1857 में जो आज महाराष्ट्र में, यूपी में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, तो आज जो वहाँ मौजूद है वो बताते हैं क्या हम 1857 के गदर के मारे हुए तबाह हुए हुए, हमने कभी दूसरे, हमारी कौम ने कभी इसके बावजूद वो मुसलमान मुगल मुसलमान ही थे ना, उन्होंने जब जब भी हमारे देश पर हमला किया, यहाँ के मुसलमानों ने और मुसलमानों ने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये कह के खत्म, उन्होंने कहा सब आप तो मुसलमान हो, अहले इस्लाम हो, हमारा आपका कर्मा एक है, दीन एक है, ईमान एक है। नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन देश के प्रति हम देश के गद्दार नहीं होंगे, हम देश का साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अच्छा इलिया साहब, एक बात बताओ, आप जिस किस्म से आज अब हमारी बातचीत में आपने बताया कि भाई आपके साथ लड़के मार दिए, गो तस्करी के नाम पे, गो बचाने के नाम पे, गाय बचाने के नाम पे जो जिस ये हत्याएं हैं ये भी हैं, उसके बाद 31 जुलाई को जो घटना है, उसके बाद आपके मेवात के बहुत सारे बच्चों को उठाना हो पुलिस द्वारा, या फिर गाँव में जाके गोली हवा में फायर करना हो, या बच्चों को घसीट घसीट के मारना हो, ये सब हम देख रहे हैं। मतलब पर इस सारे के बीच जो जस्टिस की बात है, न्याय की बात है, वो आप कहीं ना कहीं आप लोग आपकी कौम को आप बता भी रहे थे मेरे से कि वो नहीं मिल रहा है, तो उस न्याय की लड़ाई के लिए फिर क्या रास्ता है उसके लिए? हमने अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आपकी कौम पे क्या असर पड़ेगा? देखिए हम अपने इलाके के, हमारे हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे, अगर स्ट्राइक चलता रहा तो बहुत जल्दी हम लोगों से बात संपर्क कर चाहे वो किसी भी समाज का आदमी है, किसी भी समुदाय का आदमी है, हमारे यहाँ आज भी हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं, आज भी हम प्यार से रह रहे हैं। पूनिया जी, यहाँ से करीब कोई 15 किलोमीटर गांव है बिछूर, इस वक्त मौजूदा परिक्रमा चल रहे वहाँ हमारे हिंदू भाइयों के, और ब्रिज जो है, ब्रिज आपने देखा हो, ब्रिज एरिया सुना होगा, वहाँ तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का वहाँ पूजन होता है, सारे वो प्रोग्राम होते हैं, कृष्ण जी वहाँ पैदा हुए हैं। और आपको बड़े आप चकित हो रह जाओगे, हैरान रह जाओगे, कृष्ण जी को ये कौम हमारी दादा कह के पुकारती है, पूछो कहीं वो हजारों हजार साल पीछे हम इसी से वंश है। कुछ हमारे यहाँ राम के वंशज भी है, देवी जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने पीछे बताया, देखा सुना जो कहा उन्होंने, तो ब्रिज की यहाँ परिक्रमा निकलती है 84 कोस की, वो ब्रिज से चलते हैं, वो घूम घाम कर जो है वो यही ये बॉर्डर है मेवात की, उसमें एक बिछोर गांव है, वहाँ हिंदू मुसलमान जो है वो सभी तरह के लोग रहते हैं, छत्ती बना दी रहती है, 10% हिंदू है, 90% मुसलमान है। हमारे यहाँ मुहर्रम का त्यौहार आया है जो अभी गया है, 20-21 दिन भी नहीं हुए, महीना हो गया होगा, अभी गया, तो वहाँ से गुजरती है। तो लोगों ने ये फैसला किया, हमारे मुसलमानों ने और हिंदू भाइयों ने, कि भाई इसको इस साल कैंसिल करो, किसको? मुहर्रम के त्यौहार को। क्यों? कि भाई यहाँ तादाद ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा आएंगे, हमारे हिंदू भाई आएंगे, और यहाँ से अगर कोई ऐसी बात हो, फिर ये घटना हो गई
मुसलमान कौम भी बदनाम होगी, हमारा मेवाड़ भी बदनाम होगा, हमारा हिंदू समाज भी बदनाम होगा। आज मैं अगर आपको पास टाइम हो तो मैं आपके हम आज भी इस आग में जो ये जो आग जल रही है इसमें भी लोग उनको फूल मराए जा रहे हैं, उनके जलपान का इंतजाम करा रहे हैं रास्ते में, उनका ठहरने का इंतजाम करा रहे, तो फिर उसको उनको तुम उग्रवादी कैसे कह सकते हो? उसको कैसे आप लोग उग्रवादी कह सकते हो? अरे ये वसंत प्रस्त लोगों का काम है या किसी और का है? बस सही है, ये तो सही बात तो ये है, ये तो हमने मार मार के ये तो उग्रवादी बना रहे चाह रहे। उग्रवादी ना हमारे कभी पुरखे थे ना हम कोई नहीं, यहाँ हिंदू हिंदू भाई भी उग्रवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है यहाँ। ये तो युवा वाली बात है, आपके हाथ में गेंद हो और इसको तुम ज्यादा दबाओगे तो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी क्या? तो ये तो हमने उग्रवादी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। हम देश परस्ती रहे हैं, वतन परस्ती रहे हैं, वतन परस्ती रहेंगे। और मैं तो इस मौके पर आपको आपके जरिए से सारे किसान भाइयों से, चाहे वो जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे अहीर हो, और किसान तो किसी भी जाति से हो सकता है, चाहे हरिजन हो, बढ़िया हो, पंजाबी, कोई भी हो, लगभग जो हम देख रहे हैं जो टीवी वगैरह पे हम लोगों के जो कमेंट्स देख रहे हैं, विचार सुन रहे हैं, तो सभी ने इसको कंडम किया है। हम उसके आभारी भी हैं कि उन्होंने जहाँ प्रदेश की रक्षा करने का काम किया है, देश की रक्षा करने का काम किया, वहाँ हमारे मेवात में जो आग लग रही थी उसको सभी किसान भाइयों ने सभी ने उसको उसमें आग पे पानी डालने की कोशिश को की है। हम उसका आभारी है, हम उनके धन्यवादी हैं। एक बस आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, देखो हर किस्म का समुदाय है पूरे भारत में, जो लोग या फिर जो समुदाय, जो जितने भी लोग जो भाईचारे की कोशिश कर रहे हैं, आपका क्या संदेश है जो भाईचारा बनाना चाहते हैं इस देश के अलग अलग हिस्सों में कोणों में है, हरियाणा के अलग कोने में बैठे हैं, कोई हिसार में, कोई भिवानी में बैठा है? हम तो आज भी इस बात का तो अंदाजा आप लगाओ, जब यहाँ के लोकल हिंदू भाइयों को आज भी हम इस आग में भी उन्हें अपना समझ रहे हैं, वो धार्मिक यात्रा निकाल रहे, तो जो उस धार्मिक यात्रा से हमें क्या परेशानी, जब आज भी आज तो सब कुछ आग लग गई, हम उनको उसमें सम्मान दे रहे। अगर कोई भाई यहाँ आएगा, अच्छा सुनो उसका जवाब ये भी है, बाहर के लोग यहाँ मुलाजिम हैं, टीचर भी हैं, ब्लॉक में भी हैं, बिजली बोर्ड में भी हैं, दुनिया भर के यहाँ 300-400 मुलाजिम यहाँ बाहर के लोग हैं। आप पुणे साहब कभी मौका मिले उनसे मिलने का, उनसे पूछो, उनके पास हकीकत है। यहाँ जब बाहर का मुलाजिम यहाँ आता है ना, जब उसका ट्रांसफर होता है, वहाँ के लोग तो विधायक या जो भी सियासी आदमी उनको इसलिए भेजते हैं कि ये पाकिस्तान में जा रहा है, इसको सारे वहाँ भेजो, सजा दे दी, इसको सुसरे को वहाँ भेजो, उनको यहाँ भेजो, ताकि ये तबाह हो, परेशान हो, इनको दिक्कत आए। फिर उनके घरवाले उनसे कहते हैं, भाई ट्रांसफर हो गया, मम्मी ट्रांसफर हो गया, कहाँ हो गया बेटा? पाकिस्तान हो गया, ओ वहाँ मेवात हो गया, अरे बेटा तो गया हमारे काम से, क्या बात होगी मम्मी, पापा क्या बात होगी? अरे कह रहा हूँ तो हमने ऐसा सुना है, मैं उठूँ वो से खा जा हिंदू ने, पकड़ पकड़ के ही खा जाएंगे, मार देंगे। चलो खैर, क्योंकि मजबूरी है, सर्विस करना है, नौकरी करनी है, बच्चे पालने, तो यहाँ आते हैं। यहाँ जब 15-20 दिन महीना दो महीने जब वो रहते हैं ना, और जब उनका 6 महीने साल में जब वापस ट्रांसफर होता है, फिर वो वापस उसी तरह रोते हैं जिस तरह वो आए थे। भाई आज क्यों रोजे? अरे यार ऐसा बावड़ा इलाका कहाँ मिलेगा, वहाँ तो हजारों रुपया कोई मिले तो कमता तो होगा, कमता होगा नहीं तो यहाँ लाखों रुपये रोज मुलाजिम कमाता है यहाँ। ये तो मेवा है, ये मेवा यहाँ का हिंदू मुसलमान जो है यहाँ का मेवा है। क्या ये धार्मिक अनुवाद से संबंध रखती है ये चीजें? फिर रोते तो कोई जो भी आए हम स्वागत करते हैं उसका। वहां भी एक मस्जिद का कांड हुआ था, चौधरी सिंह हुड्डा के वक्त में, उन्होंने उसको आकर जो है इंटरवीन करके बीच में उनका फैसला करा दिया दोनों समुदाय। अभी बीजेपी का आदमी यहाँ आज तक आया ही नहीं है, मेवा जल रही है, नूह जल रहा है, हिंदू मुसलमान जल रहा है, लेकिन अगले को कुर्सी के नशे के चोर उन्हें। अगर ये मेवो की जाली बुझी स्कीम होती पूर्णिया साहब, तो यहाँ तो हजारों आदमी लाखों आदमी होता नहीं। ये तो कम समझ बच्चे थे और वो उनकी विचार
अब जिसको आप इतने मर्डर हो जाए, इतने घाव हो जाए, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? सबर को कोई सबर के बाधा भी कोई उसकी भी तो लिमिट होती है ना, हद होती है ना। और अगर यही काम करते रहते हो तो हम अपने आप को भी नहीं बचाएंगे। अरे हम अपने आप का अपना तो डिफेंस करेंगे, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही। तो हमें तो जब सांस मिला है, हमें जो खुशी हुई है वो ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश का जो किसान है, नंबर एक पे जाट है चाहे हीर है चाहे गुजर है, उन लोगों ने इन गलत लोगों को साथ नहीं दिया। अब हमें पूरी तसल्ली है कि अब सरकार हमारी हिफाजत नहीं करी, हमारा इस प्रदेश का हिंदू वो हमारी हिफाजत पे आ गया, सच्चाई पे आ गया। हमारी बनी है ये बात, वो सच्चाई पे आ गया कि ये गलत है, ये सही है। पहले पहले जो शोभा यात्रा निकलती थी उनमें पहले क्यों नहीं आए ये हरियाणा प्रदेश कोई साथ से सिरसा से जींद से वहां तक के लोग आए? पहले तो बार बार के आए, बिल्कुल पहले क्यों नहीं आए? और फिर मंदिर तो उनके लिए बसे रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भाई गुड़गावा भी रह रहे हैं, रेवाड़ी भी रह रहे हैं, फरदाबाद भी रह रहे हैं, है ना। वहाँ मस्जिदें भी तोड़ी गई, दो मर्डर भी इन्होंने किए, दुकानें भी तोड़ी गई। अब इससे ज्यादा हिंदू मुसलमान के प्यार की क्या मिसाल होगी? हमारे यहाँ पांच किसी गांव में 5%, किसी में 2%, किसी में 10%। आज भी यहाँ हिंदू है देहात में, या मुसलमान 90% और 95% है। उनसे आप जाके पूछो, उनसे किसी ने कुछ जिक्र किया, वही बराबर जो आज भी सबूत रही, वो हमारे दुख में हम उनके दुख में, वो हमारी खुशी में हम उनकी खुशी में। तो क्या ये बताई है ना, ये भावना कहाँ हिंदू मुसलमान बारे? चलो ये जानबूझ के इन्होंने ये 2024 के मिशन के लिए ये यहाँ हिंदू, अरे मंदिर तो वहां भी है, वहां तुम क्यों नहीं कर रहे यात्रा निकालते भाई? ऐसी यात्रा हमने यही देखी जो तलवार से निकल रही है। अब चौधरी जावेद है यहाँ, चौधरी खुर्शीद अहमद है, वो यहाँ से 3-4 दफा मिनिस्ट्री भी रहा, मेंबर पार्लियामेंट भी रहा, उसका भाई है। उसके खिलाफ 302 का इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। क्यों भाई? अरे राजनीतिक परिवार का होना कोई गलत है क्या? राजनीति करना कोई गलत है क्या? इनसे मैं ये पूछता हूँ हरियाणा सरकार से, इस उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं भाई? उसके खिलाफ क्यों तुमने वो 300 का कर दिया? अब ना तो इन्होंने मम्मन के खिलाफ कोई सबूत पाया ही ना, चौधरी जावेद के खिलाफ पाया। तो भाई टेलीफोन वेल पर खुला रखियो तुम, ये अब हमने मुंह दंगे, फिर हम तुमसे संपर्क करेंगे पत्रकार, तुम देख अरे इसका ये पूछ सका? जब ये आपका मुंह लगवाए, जावेद भी मुंह नहीं तारी कर दी, मम्मन की भी कर दी, इनका क्या भरोसा है हमें नहीं मुन्ने? लेकिन अब पूनिया साहब आखिर में मेवाड़ की जनता से अपील करता हूँ, शांति बनाए रखे। हमारा सभी भाई हैं यहाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और देश की हमेशा सेवा क्लियर करते रहेंगे। हमारे बुजुर्ग भी वतन परस्त है, हम भी वतन परस्त है, इसलिए शांति बनाए रखो। मैं सभी भाइयों से ये अपील करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया साहब, आप आए। शुक्रिया इलियास साहब, और हम भी यही दुआ करेंगे कि आपके इलाके में शांति आए, अमन भाईचारा सारा वैसे तो कायम ही हम घूम के आए हैं। ये तो पुलिस का जो दहशत है, इन्होंने एक बात और एक बात रहेगी आपसे, एक बात आपका और होगी जो आपने नहीं पूछ पाए, बताओ। ये पलायन की बात करते हैं, कि यहाँ का हिंदू बहुत पलायन कर रहा है। पलायन किस लिए कर रहा है? जो हमारी लड़कियों की कर लेते हैं शादियां जबरदस्ती, फिर हमारी लड़की भी कर रखी है इन्हें। 90% जिनकी तादाद है हमारी लड़की भी, इनके हिंदू भाइयों के बच्चों घर में है, और इनकी लड़की भी हो सकता है 2-4, हमने भी कर हमारे बच्चों ने भी कर रखी हो, हमारी भी तो 2-4 कर रखी है इन्होंने। और यार ये तो ऐसा मामला है, ये तो लव इसमें कोई किसी से रुकेगा क्या? ये तो इसलिए जाते हैं, ये आज से 40-50 साल पहले सभी देहातों में रहते थे, कस्बों में आ गए। पहले ये 1000 पति थे, खगपति थे, जो जो पैसा होता गया ये शहरों की तरफ चलते गए। आज जो ये प्लान कर रहे हैं ना, जो जिन पे अच्छा बड़ा पैसा है वो खराब अरब करोड़पति बनने के लिए कर रहा है, वहां जाके बिजनेस कर रहा है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ाने की वजह से वहां प्लान कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, और नाम देते हैं कि मुसलमान मार रहे हैं। यहाँ एक भी केस आपको ना आज मिलेगा ना कभी और मिलेगा। चलो मैं विवाद में घूम के मुझे ये तो समझ में आया कि, और अगर ये इसी बात से बात नहीं आए ना, तो भाई हम भी चाह रहे हैं पुणे साहब आपके, हम भी जो है तमाम मेवाड़ हमसे जेल भर देंगे। अगर ये यही रहो तो हमको सारी
जेल भरने काम कर गिरफ्तारियां देंगे। ये बात